देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। तो इस वीडियो में हाइपोथेसिस का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपोथेसिस मतलब होता है एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, मतलब किसी तथ्य के समझाने के लिए मान ली जाने वाली बात को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कोई ख्याल है कि आप ख्याल कर लो, मान लो, सपोज कर लो, तो एक सपोजिशन को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हिंदी में अर्थ हुआ हाइपोथेसिस का अटकल, अंदाजा, कयास, नजरिया, तसव्वुर, ख्याल, कल्पना, अनुमान, परिकल्पना, या फिर कल्पना करना भी मतलब होता है, वर्ब के तौर पे यूज होता है। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं थ्योरी, थेसिस, प्रोपोजिशन, गेस, कंसेप्ट, अजम्पशन, सजेशन, सपोजिशन, बिलीफ एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस शब्द को और भी अच्छी तरह से सेंटेंसेस में। जैसे बोलेंगे वी हैव प्रूव्ड द हाइपोथेसिस, मतलब हमने परिकल्पना को साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया, मतलब जो कल्पना जो किया था वो सच में साबित कर दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल है कि हाइपोथेसिस इज दैट वॉचिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेलीविजन रिड्यूसेस अ पर्सन एबिलिटी टू कंसंट्रेट, मतलब परिकल्पना यह है, हाइपोथेसिस यह है, सपोजिशन यह है कि अत्यधिक मात्रा में टेलीविजन देखने से व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना।